आज 15 जनवरी है और आज हम नागपुर ज़िले के उपनगर कामटी में हैं और कामटी का ये है बाबू हरदास एलएन चौक, जिसे बस स्टैंड चौराहा भी कहते हैं, जहां बाबू हरदास एलएन की ये प्रतिमा लगी हुई है। ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज यहां एक बड़ा हरदास मेला लगता है। अब ये हरदास मेला, बाबू हरदास एलएन, इन चीज़ों से, इस नाम से आप लोग क्या समझ रहे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जय भीम की गूंज है। उसके नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है और जय भीम फिल्म की भी गूंज पूरी दुनिया में है और जय भीम की घोषणा आज परिवर्तनवादी अंबेडकरवादी समुदाय का एक वो घोषवाक्य है जिससे उसकी पहचान भी बनती है। ये जो जय भीम की घोषणा है, ये बाबू हरदास एलएन इन्होंने दी थी। बाबू हरदास एलएन ये कामटी के रहने वाले थे, उनका जन्म 6 जनवरी को हुआ, उनका जो प्रयाण है वो 12 जनवरी को हुआ, लेकिन 15 जनवरी को बाबू हरदास एलएन की स्मृति में एक बड़ा मेला लगता है। अभी इस वक्त पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोविड-19 का जो संक्रमण का प्रभाव चल रहा है, उसका एक नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन ये दुनिया में प्रभावित है और उसके चलते रिस्ट्रिक्शंस है। इस वक्त मेला तो बड़ी संख्या में लगा नहीं है, लेकिन कुछ लोग यहाँ आते हैं, समता सैनिक दल की टीम यहाँ आती है और वो बाबू हरदास एलएन को अभिवादन करती है, उनको सैल्यूट पेश करती है, उनको जय भीम कहती है और फिर यहाँ से वे उनके चैत्य पर भी जाते हैं। आपको दोनों जगह लेकर चलेंगे, लेकिन एक बात समझिएगा कि बाबू हरदास एलएन, जिनका जन्म 1904 में होता है, जिनका प्रयाण 1939 में होता है, लेकिन उनकी घोषणा जय भीम जो 1935 में उन्होंने लगाई, ये जय भीम की घोषणा आज पूरी दुनिया की घोषणा बन चुकी है। जय भीम फिल्म के द्वारा लोगों की जुबान पर जय भीम है। ये जो जय भीम का उद्घोषण जिन्होंने दिया, वे जय भीम प्रवर्तक, उनकी स्मृति में आप याद कीजिएगा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी जो थी, उसके वे पहले MLA रहे मध्य प्रांत में, इसी क्षेत्र का वे प्रतिनिधित्व करते थे। बीड़ी मजदूरों का संगठन, उसकी स्थापना उन्होंने की। इस क्षेत्र में स्कूलें खोली उन्होंने, इस क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए, और फिर उसके बाद जब बाबा साहेब का आंदोलन शुरू होता है और जब बाबा साहेब समता सैनिक दल की स्थापना कर लेते हैं, उनका संगठन आगे बढ़ता है और इसमें समता सैनिक दल का मध्य प्रांत का जो नेतृत्व है, मध्य प्रांत की जो अगुवाई है और मध्य प्रांत के संगठन को मजबूत करने में उनकी एक बड़ी भूमिका जाती है। बाबू हरदास एलएन का अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक बड़ा योगदान रहा है और इसी योगदान के साथ इस समय बाबू को अभिवादन करने कई लोग आते हैं। अभी बड़ा मेला तो लगने वाला नहीं है क्योंकि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपको जो अभिवादन करने आ रहे हैं उनकी संवेदनाओं से आज आप जोड़ते हैं। आजच्या या कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि शासनाचे नियम गोष्टी समोर बाळगून आज आपण या कामठीतील जयस्तंभ चौक येथील परमपूज्य आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून आजच्या या हरदास मेळावा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण कार्यक्रमाला आरंभ करतो आहोत। Yes, yes. बुद्ध कबीर फुले आंबेडकर विचारांचा yes, yes.
पंचअंगी धम्म ध्वजाचा पंचअंगी धम्म ध्वजाचा दल नील ध्वजाचा समता नीलाचा आंबेडकर आंदोलन हुतात्म्यांचा समता आंदोलनातील शहीदांचा धम्म क्रांती चिरायो धम्म क्रांती चिरायो जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास चलन पंधरवाडा चिरायो भगवतो संबुदस नमो तस भगवतो संबुदस बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयांपि संघं शरणं गच्छामि स्वामेव मज्जपमादखान वीरमणि शिखापद समादियामि सब्बपापस कर्ण कुशलस उपसंपद सचित्तपर्य दपन एतं बुद्धानुशासन साधु 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 अंबेडकरी आंदोलन के जाबार सेनानी जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन इनके इस 83वें स्मृति अवसर पर हरदास मेले के इस पावन दिन जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन और जिन लोगों ने उनके समकद साथियों ने अंबेडकरी आंदोलन को गतिमान करने के लिए अंबेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए तमाम व्यथा वेदनाओं समस्याओं को उजागर करने के लिए जिस प्रकार से जान की बाजी लगाकर अपनी विचारधारा अपनी तत्व प्रणाली और अपने न्याय और अधिकार के लिए जो संघर्ष किया उस संघर्ष की बुनियाद आज कहीं ढहती जा रही है उस बुनियाद को फिर से बनाए रखने के लिए हमें जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन तमाम साथियों का स्मरण कर जो इतिहास भुला करते वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते और इसलिए हमें समता सिंह दल और बाबू हरदास एलन स्मृति समिति के माध्यम से यह जन जागृति का आगाज कर वर्तमान विषमताओं को विनष्ट करने के लिए
संकल्पबद्ध होने का निश्चय करना आज की यह विषम काल में अत्यंत आवश्यकता है और इसके लिए बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन साथियों को हरदास मेले के इस पावन अवसर पर अभिवादन करता हूँ, मैत्री भावना व्यक्त करता हूँ। बाबू हरदास एलन ने जो कार्य किया है और समाज को जो संगठित करने का काम किया है, आज बड़े दुख की बात है कि हमारा समाज संगठित नहीं है। अगर बाबू हरदास के जीवनी का हम विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरे समाज को एक होकर के हमारे ऊपर में अभी जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इसका हम सामना कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, लेकिन जब तक का अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, माने सिर्फ सत्ता का स्वार्थ जो है वो जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक का हम संगठित हो नहीं सकते। सबने मिल के जब सत्ता का माने स्वार्थ छोड़ा तो हम एक जगह होने को हमें समय नहीं लगेगा।
बाबू हरदास एलेन इनका जन्म कामठी में हुआ, हरदास नगर में हुआ। और बाबू हरदास एलेन ये उस जमाने में जब हमारा कोई बहुत ज़्यादा संगठन नहीं था, उस वक्त वो यहाँ से एमएलए करके चुन के गए। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब कामठी में बड़ा एक सम्मेलन लिया तो उसके प्रमुख आयोजक बाबू हरदास एलेन थे। और बाबू हरदास एलेन ये बाबा साहब के जीवन से बहुत प्रेरित होके उन्होंने बाबा साहब के एक जय भीम का नारा दिया, और इसलिए हरदास बाबू की पहचान जय भीम के जनक करके कामठी शहर में नहीं, नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, तो पूरी दुनिया में जय भीम का नारा जो है वो गूंजता है। हम अम्बेडकराइट लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं और हम जब कहते हैं जय भीम और सामने से जब आवाज़ आता है जय भीम, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलने वालों में तैयार होती है। तो ऐसे बाबू हरदास एलेन का बहुत बड़ा एक देन इस समाज को हुआ है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो प्रेरणा है कि बाबू हरदास एलेन की परिस्थिति अच्छी नहीं होते हुए भी, आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब होने के बावजूद भी समाज को कोई मुझे देना है, समाज के लिए कार्य करना है, बाबा साहब के मिशन को अपना योगदान देना है, ये ख्याल में रखते हुए एक बहुत ही यंग यानी तरुण अवस्था में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि एक ऐसे आजार से वो पीड़ित हुए जिसका बहुत ही कम उम्र में उनका निधन हुआ। मगर बाबू हरदास एलेन का जो मिशन है, जैसे बाबा साहब का मिशन आगे बहुत लोगों ने बढ़ाया, तो हरदास बाबू का मिशन को आगे बढ़ाने में दादा साहब कुंभारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि उस वक्त बाबू हरदास एलेन थे तब दादा साहब कुंभारी यंग थे और उनको ऐसा लगता था कि बाबू हरदास एलेन का नाम और इनका कार्य आगे बढ़ाए, इसलिए उन्होंने हरदास एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी की स्थापना की है। आज वो एक वटवृक्ष के रूप में बहुत सारे हमारे गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। उस वटवृक्ष में लोग डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, आईएएस ऑफिसर हो रहे, और बीड़ी कामगारों का जो काम था बाबू हरदास एलेन जी ने जो बीड़ी कामगारों के लिए काम किया उसको आगे कायदे के रूप में बीड़ी कामगारों को किस तरीके से उनको एक कायदे में कामगार का दर्जा मिले, और फिर दादा साहब कुंभारी जी ने आज बीड़ी कामगारों को जो आप देख रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हक थे जैसे बोनस, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब उन्होंने दिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी नेताएं होते हैं उनके इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे महामानवों को याद करना और उस मिशन के माध्यम से बहुत यंगस्टर को, न्यू जनरेशन को उनकी प्रेरणा मिले, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के अनुसार जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु तय है। मगर सवाल ये है कि मृत्यु होने के बाद आज उत्सव शब्द यूज़ किया जाता है, आप नहीं समझे। हम हरदास बाबू का, एलेन जी का पुण्यतिथि उत्सव मनाते हैं कई सालों से। अब उस मिशन में गुरु शिष्य की परंपरा चलाते हुए दादा साहब कुंभारी जी का भी उत्सव मनाते, तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि जीवन में बहुत कम समय होता है जीवन, हम कितना साल जिए इसको महत्व नहीं है, हम कितना ज़्यादा समाज उपयोगी हो सकते हैं ये बाबू हरदास एलेन के जीवन से हमें मैसेज मिलता है। और मैं इस अवसर पर सभी तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये जो उत्सव है ये कामठी तक मर्यादित न रहे, इसका बहुत बड़ा व्यापक हो, ये जिले में, महाराष्ट्र में और भारत और दुनिया में इसका उत्सव आगे चल के चले, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। जय भीम।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। महाकरुणिक तथा गत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जय। जय सो महाकरुणिक तथा गत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जय। जय सो धम्म नायक सम्राट अशोक जय। जय सो धम्म नायक सम्राट अशोक जय। जय सो विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा अंबेडकर जय। जय सो विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा अंबेडकर राज्य। जय सो भारतीय संविधान भारतीय लोकशाही जय। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। प्राण एक साथ शपथ लेने के लिए तैयार हो गए। तैयार हो परम पूज्य परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्थापित समता सैनिक दलाचा समता सैनिक दलाचा समता सैनिक समता सैनिक अशी शपथ घेतो की अशी शपथ घेतो की अंबेडकर आंदोलनाचा अंबेडकर आंदोलनाचा सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांगीण विकासासाठी भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या देशातील गरीब गरीब दलित दलित गंजल्या गंजल्याच्या संरक्षणासाठी गंजल्या गंजल्याच्या संरक्षणासाठी त्यांचा न्याय त्यांचा न्याय व हक्काचा लढा व हक्काचा लढा प्रखर प्रखर व प्रबल करण्यासाठी प्रबल करण्यासाठी परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा आणि विचार यांना प्रतिबद्ध होऊन आंबेडकरी आंदोलनाचा निळा ध्वज आंबेडकरी आंदोलनाचा निळा ध्वज कुठल्याही संकटाची पर्वा न करता कुठल्याही संकटाची पर्वा न करता प्राणपणाने प्राणपणाने खांद्यावर खांद्यावर वाहून नेईल वाहून नेईल जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबू हरदास सैलेन जिनके स्तर पे हम लोग यहाँ पे हर साल उनको मानवंदना देने के लिए इस कनान नदी के पर हम लोग यहाँ पर सारे लोग उपस्थित होते हैं और बाबू के जीवन से जो प्रेरणा हमको मिलती है कि उम्र के 35 साल के अंदर में बच्चे आज हम लोग अपने नौकरी की तलाश के अंदर में आज एजुकेशन लेकर हम लोग घूमने का घूम रहे हैं लेकिन उस 35 साल की उम्र के अंदर में जहाँ बाबू का एल एन हरदास का देहांत हुआ 35 साल की उम्र में बाबा साहब के साथ में काम करते हुए उन्होंने अपने आप को ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में स्थापित किया था। उसके बाद जो उन्होंने जय भीम का नारा दिया 1937-36 में और वो देने के बाद में बाबू एल एन का हरदास एल एन का संघर्ष जो हम सुनने में आता है और जो हम लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको उसमें हमने देख रहे हैं कि एक जेब में चने मुरमुरे रखना और भूखे पैसे रहकर काम करना और जब भूख लगी तो वो चने मुरमुरे खाना और ये सारी चीज़ें हम देखते हुए और समाज के लिए उनका जो समर्पण का भाव था जहाँ इलेक्शन के अंदर में कॉरपोरेशन में सखाराम पंत जैसे लोग खड़े हो रहे थे और बाबू भी फॉर्म भरने वाले थे उस समय देखा कि समाज का एक आदमी फॉर्म भर रहा है तो बाबू हरदास एल एन ने अपना फॉर्म विड्रॉल किया और उन्होंने नहीं भरा को फिर बाद में उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सखाराम पंत जी को कि भाई मैं फॉर्म भर रहा था और एल एन हरदास जी ने वापस तो उन्होंने बताया कि कोई भी एक आदमी चुन के आना था और मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों खड़े होकर कोई तीसरा चुन के आए आप खड़े हो रहे इसलिए मैंने समाज के लिए अपना फॉर्म विड्रॉल लिया और उनको चुन के लाया और वो उनको महापौर भी वहाँ पर बनाया था। ये चीज़ें कामठी शहर के अंदर में भी या कामठी के पहले आमदार है और कामठी शहर के अंदर में भी उन्होंने वो चीज़ें की हैं तो समाज को बढ़ावा देने के लिए समाज के लिए बिल्कुल है ना ज़रूर रूप से है ना अपने आप को पूरा उन्होंने समर्पित कर दिया था समाज के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भूखा रहना पड़े या कुछ भी रहना पड़े। लड़का मर गया अकोला के अंदर कार्यक्रम के अंदर जो उनको मैसेज आता है तो बोलते हैं कि मेरा एक लड़का मरने से क्या होता है मेरे करोड़ों लड़के हैं तो ये जो भाव जब उनको सुनने को मिलता है तो आज हम चाहते हैं कि जो उनसे प्रेरित होकर बाबू हरदास एल एन के जीवन को पढ़कर समझ कर जानकर आज उस तरीके के युवा लोग आज तैयार होने की
होना चाहिए कि जो समाज के लिए समर्पित हो, कुछ भी करने के लिए, किसी भी कैसे भी कठिन परिस्थिति है उसके लिए लड़ने के लिए मरते दम तक। इतना ही नहीं कि बाबू का एलएन का संघर्ष मरने के बाद में ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ इनको दफनाया गया था तो मिलिट्री वालों ने ये कह दिया था कि ये जिस तरीके से आपने यहाँ उनको दफनाया गया है तो उनको उस कब्र से उनको निकाला जाए। लेकिन हमारे लोगों ने उस समय उनके साथ में काम करे उन लोगों ने बोला दफनाना ये हमारा काम था, निकालना हमारा काम, निकालना है तो आपको आप निकालिए, हम उसको नहीं निकाल सकते। तो लेकिन ये सारी चीज़ें ये उनका संघर्ष जो था उनका, यानी मरने के बाद तक और मरने के बाद में जो उनका संघर्ष चालू है, वो सारा संघर्ष को हमको देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि बाबू हरदास एलन जिस तरह के बाबा साहब ने कहा था मरने के बाद में कि मेरा दायनाथ चले गया, तो आज एलन हरदास जैसे लोग समाज के अंदर में आज उनकी गरज है। और हम चाहते हैं कि बाबू हरदास एलन के जीवन से हम कुछ सीखें और उनके जिस लाइन पर उन्होंने काम किया है उस लाइन पर काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। और आने वाली पीढ़ी उस दिशा के अंदर में काम कर रही है और हम आशावादी हैं तो आने वाले समय के अंदर लोग बाबू हरदास एलन की तरह काम करेंगे और समाज को संगठित कर पूरे और उनको एक नई दिशा देकर नए उत्साह के साथ में कामगारों के लिए काम किया तो नए आर्थिक रूप से भी खड़ा करने का काम बाबू हरदास एलन के से हमको जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। उस दिशा के अंदर काम शुरू है और ये काम आगे बढ़ेगा ये अपेक्षा करता हूँ। सभी को जय भीम। बाबू हरदास एलन इनकी जयंती और स्मृति दिन के उपलक्ष्य में कामटी यूनिट हर साल इनको मान वंदना देने के लिए पूरे कामटी का भ्रमण करते हैं और आज 18वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा आम्बेडकरी चळवळ और जनता से यही कहना है कि हमारा समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने चळवळ किए थे और लोगों को एकजुट किया था, अभी वो चळवळ बिगुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए हमको हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए एकजुट आना पड़ेगा और उसके लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म समता सैनिक दल का है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने मातृ संगठन स्थापित किए थे। अगर हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकना है तो हमको सभी को समता सैनिक दल में आकर एकजुट होना पड़ेगा। मैं इस मौके पर आप सभी आम्बेडकरवादी को यह आह्वान करता हूँ कि आप आइए और समता सैनिक दल में शामिल हुई और आम्बेडकरी चळवळ को और प्रखर बनाइए। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। जिस तरीके से बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में आज से लगभग 60 से 65 साल के बीच में बाबू हरदास एलन ने कामठी में जिस तरीके से समता सैनिक दल की शुरुआत की थी और जो उनका मोटिव था कि वह हर हफ्ते कामठी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग युवाओं के साथ में मिलकर रोज़ डेली एक्टिविटीज़ करते थे, उसमें उनका डिसिप्लिन, उनका बौद्धिक सेशन, देश में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों पर वह चर्चा करते थे। इस तरीके से उन्होंने समता सैनिक दल को स्ट्रॉन्ग बनाया था और आज उनके जाने के बाद समता सैनिक दल वापस से मार्शल एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर सर के नेतृत्व में कामठी फिर से खड़ी हुई है। आज विमल सूर्य चिमनकर सर तो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके विचार हम हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। इसी तरीके से हम 5 दिन का कैंप यहाँ पर लेते हैं और लोगों को बताते हैं, मार्शल्स युवा को हम यह बताते हैं कि किस तरीके से हमें मनुवादी विचारधारा से लड़ना है। बाबा साहेब का संविधान उन्हें रोके ज़रूर रखा है लेकिन अगर हम देखते हैं तो 2018 का भीमा कोरेगांव का हल्ला वह एक बहुत बड़ा उनकी प्लानिंग थी और वह एक देखा जाए तो एक ट्रेलर था और उनकी पूरी पिक्चर अभी सामने की प्लानिंग उनकी अभी भी बची हुई है। इन सब का सामना करने के लिए सारे युवाओं को समता सैनिक दल से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और सारे मार्शल से मैं यही अनुरोध करता हूँ और सारी अम्बेडकरी आवाम से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि अपने घर के सारे बच्चों को, मार्शल्स को, युवाओं को समता सैनिक दल में भेजें। जय भीम। जय भीम। पिछले 17-18 सालों से हम हर साल बाबू हरदास एलन जयंती और स्मृति दिन के निमित्त में ये शिविर आयोजित करते हैं और इस शिविर से हमारा इस जो कैंप होता है इससे हमारा एक ही मोटो होता है कि हम नए से नए कम उम्र के बच्चों से लेके बड़े जो मार्शल्स है या फिर जो लोग हैं जो समता सैनिक दल से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद हम उन्हें एक वैचारिक लेवल का सैनिक एक हम तैयार करना चाहते हैं जिससे वे जो अभी मनुवादी विचार के जो लोग हैं उनसे लड़ने के लिए वो सक्षम रहे, उनके उत्तर देने के लिए वो सक्षम रहे, एक लीडरशिप एक जो क्वालिटी है वो हमारे बच्चों में तैयार हो और हम नौकरी पेशे पे ज़्यादातर हमारे बच्चे जॉइंट हो उसके लिए हमारी
पूरे साल कोशिश होती है और उसी के निमित्त में हम ये कैंप का आयोजन करते हैं, जहाँ से हम छोटे से छोटे बच्चों को एक सैनिक बनाते हैं। जैसे हम खुद सब जो मार्शल्स आप यहाँ देख रहे हैं, हम 10 साल की उम्र से ये शिविर करते आ रहे हैं और आज हमारे में खुद एक लीडरशिप क्वालिटी और बोलने की जो ये है, ये हम सब हमारे अंदर आया है। तो हम सब यही तैयार करते हैं और सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले कैंप में या फिर जो हमारे बौद्धिक प्रोग्राम्स होते हैं, तो सभी लोगों ने उसमें एक पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक मार्शल रेस जो है वो तैयार होनी चाहिए। जय भीम। जय भीम सर, सबसे पहले तो आवाज इंडिया टीवी का जो हर साल जो है बौद्ध अम्बेडकरी जनता का जो है वो विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो मैं उनसे तहे दिल से समतांग दल यूनिट कामठी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। समता सैनिक दल ये बाबा साहब का संगठन है और आज के समय पे अगर भारत को ही नहीं, अगर पूरे विश्व को अगर जो है शांति के मार्ग पर अगर लेकर अगर कोई लीड कर सकता है तो वह बुद्धिज्म। तो टूटे हुए लोगों के जो मन है उसको जोड़ने का काम जो है बुद्धिज्म के अंदर में है, तो हम लोगों ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट करना चाहिए। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों ने धम्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, हम उन लोगों को भूलते जा रहे हैं। हम उनको जो है वो भद्रकाध्यान है, यशोधरा, और बुद्धिज्म को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो लीडर है, जिन लोगों ने सही में बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए काम किया है, हम उनको हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। और जिस समय पे बाबा साहब थे, हम बुजुर्ग लोगों को पूछते हैं तो बताते हैं कि वो समय पे सिर्फ जो है ना बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध, ये दो ही जो है वो क्रांतिकारी लोग जो हमारे आगे थे। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद में बहुत सारे जो है नए नए लीडर जो है जो अपने आप में क्रांतिकारी है, लेकिन उनको जो है एक पर्टिकुलर तबके को वोट बैंक के लिए तैयार किया गया है। और आज जो है हम बुद्धिज्म को बाबा साहब के विचारों को कहीं जो विचारों की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करने के लिए अदर जो है वो मानसिकता वाले लोग जो है दूसरे लोगों को जो है बाबा साहब के पैरेलल खड़ा कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे देश में ही जो हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं उनको ये बात जो है बताने में डर लगता है या फिर पता नहीं नॉलेज नहीं उन लोगों को कि हमें बाबा साहब ने जो दिया है वो मात्र 3 संगठन है। और अगर कोई तीसरा अगर बाबा साहब के नाम से अगर चौथा संगठन स्टार्ट होता है तो उसमें जो है बाहर का आदमी ज्वाइन नहीं होता, उसमें जो है ऑलरेडी बाबा साहब के मूवमेंट में जुड़े हुए लोग ही टूट के दूसरे संगठन में जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे संगठन तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए, उसके ऊपर में हम लोगों ने एकत्रित आके उस चीज को जो है आगे लेकर बढ़ने की बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि गए कुछ समय से जो 2014 से जो चीजें चेंज हुई है तो उसका अभी हम लोग जमीनी स्तर पे जो है आउटपुट देख रहे हैं। और अगर आज भी हम लोग अगर एक साथ विचारों के साथ में नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए मत आइए, बाबा साहब के लिए आइए। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ बाबा अभी जो है वो हमें आगे लेकर जा सकते हैं। और बुद्धिज्म का रास्ता ही सबसे अच्छा है जो मानवता की शिकवन हमें देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बाबा साहब के ऊपर में एक निष्ठ होकर काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं सभी जनता से गुजारिश करूंगा कि वो समता सैनिक दल को जानने का कोशिश करें, बाबा साहब को जानने की कोशिश करें और अपने अधिकारों के लिए अपने विचारों के ऊपर में कायम रहे। मराठी में बोला जाता है, विचारावर जगणारा, विचारावर मरणारा आणि विचारावर प्रेम करणारा माणूस हा फक्त बाबासाहेबाचा माणूस असू शकतो। तर बाबासाहेबाच्या विचाराशी सहमत असणारा माणूस आम्ही तयार केला पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही काम केलं पाहिजे। धन्यवाद सर। जय भीम। वो महत्वपूर्ण सैनिक जो आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश दे रहे थे, जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलएन, इनकी स्मृति में इसलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा मेला होता है बाबू हरदास एलएन इनकी स्मृति में होता है। और वो जो नागपुर के उपनगर कामटी के बाबू हरदास एलएन की प्रतिमा के पास से शुरू हुआ वो जो समता सैनिक दल का सैल्यूटेशन का सफ़र था, वो सफ़र यहाँ आकर थमता है। ये है जय भीम प्रवर्तक लोकप्रिय बाबू हरदास एलएन, इनका चैत्य,
यहाँ ये समता सैनिक दल पहुँचता है और अपने आदर्श को, अपनी प्रेरणा को नमन करता है। आप तो जानते हैं कि इस समय ये पूरा का पूरा कारवां जय भीम का, ये सिर्फ जो कामटी से उठा हुआ नारा अब ये कामटी का नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया का नारा हो गया, और इस पूरी दुनिया में जय भीम की उद्घोषणा के साथ अंबेडकरवाद और परिवर्तनवादी आंदोलन की पहचान बनाने वाले इस घोषणा के जनक का ये स्मृति में होने वाला मेला वो यहाँ लगता है। लेकिन कोविड 19 के रिस्ट्रिक्शंस के कारण इस वक्त किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन नहीं है। बावजूद इसके समता सैनिक दल जिसकी अगुवाई मध्य प्रांत में बाबू हरदास एलन ने की, वो ही कारवां उसी का सातत्य लेकर समता सैनिक दल हर साल यहाँ आता है, और इसी परंपरा से आपको जोड़ने की ये आवाज़ इंडिया की कोशिश है। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।